तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। मैलानी पीलीभीत आमान परिवर्तन से जुड़ी खबर निकल कर आ रही है शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से। शाहगढ़ रेलवे स्टेशन की क्या कुछ वर्तमान समय में अपडेट है, कितना आखिरकार कार्य हुआ। आज DGS मशीन वहाँ पहुँच चुकी है। बीते दिनों मैंने आपको अपडेट दी थी जब सहरा DGS मशीन काम कर रही थी। आज बारी है शाहगढ़ की। शाहगढ़ में बहुत रफ्तार में काम DGS मशीन के द्वारा किया जा रहा है। देखिए नज़ारा आज के इस वीडियो में, एक्सक्लूसिव कवरेज शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को दबाइएगा। अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। अगर आप भी हमें अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से वीडियोज़ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें शाहगढ़, पूरमपुर, टनकपुर आदि स्टेशन से वीडियोज़ भेज सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो हमें भेजी हमारे रेल रिपोर्टर, रेल फैन हेमराज जी ने शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से। तो हेमराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी करे हुए। ये दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम मौजूद हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में। और वाकई बहुत खूबसूरत स्टेशन मैलानी पीलीभीत सेक्शन पर बनाए जा रहे हैं, इसके लिए मैं सराहना करूँगा पहले तो कार्यदायी संस्था और रेलवे की। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अंदर शाहगढ़ रेलवे स्टेशन के पूरे खूबसूरत नज़ारों के साथ अगली वीडियो आएगी। आज बात करते हैं DGS मशीन और यूनिमैट मशीन के जरिए जो काम चल रहा है, कितना काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, उस पर डालते हैं नज़र। चलिए चलते हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन के अंदर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और आप सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ट्रैक पर एक मशीन खड़ी हुई है, वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ट्रैक पर भी मशीन खड़ी हुई है। आज किस वीडियो में नज़ारा बहुत एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन से। आप सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर जो 2 पर ट्रैक मशीन खड़ी हुई है वो डुओमेटिक मशीन है। डोमेटिक मशीन के जरिए काम किया जा रहा है, ट्रैक को पैक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं, हमारे तमाम कार्यदायी संस्था के सदस्य कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर कार्य इस कोरोना काल में भी बड़ी रफ्तार में कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और आप सामने देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे मशीन को ट्रैक पर चलाया जा रहा है और जो वर्क है पैकिंग का वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक तरफ DGS मशीन भी यहाँ पहुँच चुकी है शाहगढ़ रेलवे स्टेशन आज सुबह है। जी हाँ, आज सुबह ही DGS मशीन पहुँची है। हमारे रेल रिपोर्टर हेमराज जी ने हमें सूचित किया कि आज सुबह DGS मशीन भी शाहगढ़ रेलवे स्टेशन आ चुकी है और DGS मशीन के जरिए भी वर्क जो है वो शुरू कर दिया गया है। इससे पहले बता दें, जहाँ एक तरफ जैसा कि मैंने बताया आपको डुओमेटिक मशीन के जरिए पैकिंग का काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर तो DGS मशीन के जरिए भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से पैकिंग के लिए डुओमेटिक मशीन ट्रैक पर है और धीरे धीरे लूप लाइन का वर्क जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए नज़ारे, बहुत एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको बहुत पास से दिखा रहे हैं किस तरह से जो मशीन है उसके ज़रिए बैलास्ट जो डाला गया है उसको सेटिंग का काम, उसको पैकिंग का काम, ट्रैक पैकिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने नज़ारे। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरह से डुओमेटिक मशीन काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर आज सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया DGS मशीन पहुँच चुकी है। DGS मशीन के बारे में हम बात करते हैं, DGS मशीन की तरफ रुख करते हैं कि आखिरकार DGS की फुल फॉर्म क्या है और DGS का आखिरकार काम क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव DGS मशीन मेन लाइन पर मौजूद है शाहगढ़ रेलवे स्टेशन की। बता दें DGS मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो DGS मशीन मेन लाइन पर ही वर्क करती है, ऐसी सूचनाएं तमाम आपको गूगल पर भी देखने को मिल जाएंगी। जो DGS मशीन होती है वो बेसिकली मेन लाइन पर वर्क करती है। जी थी, हमने आपको दिखाया था किस तरह से काम हो रहा था, वहीं आज शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी DGS मशीन पहुंच चुकी है। और आप जैसा कि सामने देख रहे हैं DGS मशीन की बात करें तो DGS मशीन एक वाइब्रेटिंग मॉड्यूल है। जी हाँ, DGS को दूसरी भाषा में DTS भी कहा जाता है। DTS की अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो DTS की फुल फॉर्म है डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजिंग। जी हाँ, ये डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर, दो में से कोई आप मान सकते हैं। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, ट्रैक पर बहुत धीरे, आप देख सकते हैं बहुत मध्यम रफ्तार है, बहुत धीमी रफ्तार है, इस रफ्तार में ये ट्रैक पर चलाई जाती है और ट्रैक को वाइब्रेट किया जाता है। वाइब्रेट करते करते पैक किया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है, सेट किया जाता है। आप देख रहे हैं जहाँ एक डोमेटिक के जरिए काम होता है, वहीं फिर बाद में इस तरह से DGS मशीन जैसा कि आप देख पा रहे हैं आई और ये इस सेक्शन पर काम कर रही है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसको ट्रैक पर चलाया जाता है, इससे वाइब्रेट किया जाता है ट्रैक जो है उसको इस मशीन के द्वारा वाइब्रेट किया जाता है, एक वाइब्रेटिंग सेक्शन में पहुंचाया जाता है। किया उसके बाद
जिस तरह से TPM डोमेटिक ने काम किया, उसके बाद जब DGS की बारी आती है तो वो ये चेक करती है वाइब्रेट करके। अच्छा, गौरतलब एक चीज़ और है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ मेन लाइन पर काम करती है। जी हाँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं सागर रेलवे स्टेशन की जो मेन लाइन है वहाँ पर ये काम कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, अपना सपोर्ट हमेशा बना रखिए। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप हमें अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से वीडियोस भेजना चाहते हैं, सागर रेलवे स्टेशन से, पूरमपुर से, टनकपुर से, पीलीभीत से, मैलानी से, दुधिया खुर्द, प्रसादपुर हॉल्ट आदि आदि किसी भी स्टेशन से या किसी भी हॉल्ट से अगर आप हमें वीडियोज़ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमें वीडियोस भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना सपोर्ट हमेशा बना रखिए, घर में रहें, स्वस्थ रहें, हम यही कामना करते हैं आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।